इंडिया की बैठक पर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के इन सभी 28 दलों ने मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो विपक्षी दलों के नेताओं ने 2024 में बदलाव का दावा कर दिया है। इंडिया अलायंस को बीजेपी ने मजबूती नहीं मजबूरी का गठबंधन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि घमंडिया नेताओं में पीएम पद को लेकर लट्ठम लट्ठा है। चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वो भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से ये अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी परेशान है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द, मंत्रियों के पेट में दर्द, पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, गिद्ध मनाते हैं कि कोई गाय मर जाए, ऐसे मना रहे हैं कि किसी तरीके से इस गठबंधन में फूट हो जाए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि विपक्षी एकजुटता आने वाले चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग से पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया, अपने अहंकार को भूल जाना है, देश की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं, हमारा फर्ज देश की एकता अखंडता, ये लालू यादव की तरफ से कहा गया। ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की, विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है, अपने अपने युवाओं को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1-to-1 हम लोग को जाना है। इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन होगा, पीएम पद को लेकर विपक्षी दलों की क्या राय है और मुंबई में पोस्टर में किस नेता को बताया गया पीएम पद का उम्मीदवार, देखिए मुंबई से विपक्ष की बैठक पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे पर कंफ्यूजन बरकरार है। इंडिया अलायंस में पीएम पद की रेस में कई नेता शामिल हैं। आज मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स में कई नेताओं को पीएम पद का दावेदार बताया गया। नीतीश कुमार के समर्थन में भी पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स पर लिखा गया कि देश मांगे नीतीश कुमार। आज इंडिया अलायंस की अहम बैठक होने वाली है और इसी के तहत पूरे मुंबई में, पूरे शहर में अब बैनर पोस्टरबाजी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मुंबई के ग्रैंड हयात के बाहर खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बैनर लगाया गया है जिसमें देश मांगे नीतीश, सहर्ष स्वागत, इस आशय का बैनर हर जगह पे लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी जगह हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी बैनर लगे हैं, इसी के साथ साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी बैनर पोस्टर्स यहाँ पर भारी तादाद में लगाए गए हैं। नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताया गया तो कांग्रेस के पोस्टर्स में राहुल गांधी को विपक्ष में बड़े चेहरे के तौर पर दिखाया। शिवसेना के होर्डिंग्स में उद्धव ठाकरे की दावेदारी दर्शाई गई। और इस इंडिया गठबंधन को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी अब सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी गठबंधन को घेरेगी। इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी अब सोशल मीडिया के जरिए 10 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। मिशन शंखनाद के लिए 25 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर तैयार करने का बड़ा प्लान बनाया गया है। बीजेपी की डिजिटल विंग 100 बड़े शहरों में सोशल मीडिया वॉलंटियर की बैठक करेगी। इसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए देश भर में बीजेपी का सोशल मीडिया के जरिए संपर्क अभियान तेज होगा। इस प्लान के तहत हर सीट से 100 लाभार्थियों के वीडियो पोस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। अलग अलग राज्य के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी की रणनीति तैयार होगी। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में 9 मीटिंग होंगी तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 4-4 बैठकें होंगी। इस कैंपेन के जरिए 2014 के पहले और अब क्या अंतर आया है ये बताया जाएगा। कांग्रेस पर गांधी परिवार का वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा जाएगा तो बीजेपी इस सोशल मीडिया अभियान के जरिए इंडिया गठबंधन को भी घेरेगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं के पुराने वीडियो साझा किए जाएंगे जिसमें वो एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं।